हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज कंटेंट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल है तीज, तो तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तीज हमारे यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो सब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और तो देखिए, अभी मेरा मतलब दोपहर का टाइम है, अभी मेरा सारा काम निमट चुका है, लगभग खाना पीना और सफाई का काम जो भी होता है वो सब निमट चुका है। तो मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है कुछ बातें, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने अपने पिन के लिए अप्लाई कैसे किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में आज आपको अपना थोड़ा सा ना सेटअप दिखाऊँगी जो मैंने बनाया है खुद से। मेरा सेटअप देख लीजिए, मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ अपनी, वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगी आज की वीडियो में। और एक बात और बतानी थी, मैंने अपना एक न्यू चैनल है, मतलब जो कि मतलब काफ़ी पुराना है वैसे तो, लेकिन उस पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी डेली, तो वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड करना डेली स्टार्ट किया है। तो अगर आपने वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और विद बेल बटन, और उस चैनल को भी मतलब इतना ही प्यार दीजिए जितना कि इस चैनल को देते हो आप लोग। उस चैनल पर भी बने रहिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस, लड्डू गोपाल जी के लिए झूला और बहुत सारी चीज़ें जो कि लड्डू गोपाल जी के लिए ही यूज होती हैं वो सब शेयर करूँगी उस वाले चैनल पर। मैं इस पर शेयर करना चाहती थी बट मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि क्या होता है ना, कैटेगरी चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस या फिर लड्डू गोपाल जी के सिंहासन या फिर जो भी झूले वगैरह जो भी कुछ बनाने की यहाँ पर अपलोड करूँगी वीडियो, तो फिर मैं अपने व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी यहाँ पर। यही रीज़न है कि मैंने वही चैनल चुना इस काम के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई भी हमारे चैनल पर आता है और उसको अगर मिक्स एंड मैच कॉम वो मिलता है ना कंटेंट, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। इसलिए मैं वहाँ पर एक ही कैटेगरी की वीडियोस रखना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया है। मतलब पहले से है वो चैनल तो, लेकिन हाँ मैंने वीडियोस उस पर अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो वो चैनल भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे कमेटी पर उसका लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी या फिर नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले ड्रेसेस कान्हा जी की जो मैंने बनाई थी हैंडमेड। तो देखिए, एक तो ये है ड्रेसेस और ये मैंने 15 अगस्त के लिए बनाई है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने ड्रेसेस कैसे बनाई है तो इसका लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है? और इसके साथ में बनाई है मैंने एक छोटी सी पगड़ी, ये देखिए है ना, अच्छी है ना। और फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट ड्रेस कान्हा जी की, ये देखिए यह है घेरा और यह है एक नंबर के ड्रेस कान्हा जी की। और इसके साथ है ये चोली, चोली मैंने अलग से बनाई है कान्हा जी की और ये भी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है? और एक ड्रेसिस है कान्हा जी की ये वाली, ये भी मैंने खुद से बनाई है ना। और यह है इनकी चोली, तो इसका भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा, मतलब कमेटी पर मैंने शेयर की हुई है, कमेटी पर आपको तीनों ड्रेसेस का लिंक भी मिल जाएगा। और आप मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप। तो देखिए, जो इस तरह की ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं या क्राफ्टिंग की कोई भी वीडियोस आप बनाते हो है ना, तो उसके लिए आपको एक अलग से सेटअप बनाना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप सेटअप बना सको, क्योंकि ये काम कोई एक दिन का नहीं है कि एक दिन आपने बनाया और दूसरे दिन उसे उठा कर रख दिया है ना। ये परमानेंटली है कि आपको डेली वीडियो शूट करना है, डेली अपलोड करना है, डेली बनानी है, तो इसके लिए परमानेंट एक सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने इस तरह से बनाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए है ना, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सेटअप, इस तरह से मैंने कुछ तैयार किया। ये टेबल है और यहाँ पर टेबल पे देखिए कान्हा जी की ड्रेसेस मैंने जो बनाई हैं वो रखी हुई हैं। एक यहाँ पर रखी हुई है नोटबुक्स है ना, और ये है चेयर इधर है ना, और ये है मेरा ट्राईपोड जो कि मैंने सेट किया हुआ है इस तरह से है ना, और यहाँ पर है मेरी ये सिलाई मशीन है ना,
क्योंकि मशीन के बिना आप वीडियो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है ना, और यहाँ पर जब मुझे इधर ज़रूरत होती तो मैं चेयर को इधर भी ले लेती हूँ, और अगर ज़रूरत होती तो उधर भी कर लेती हूँ। ठीक है, अब भी बात आती है इधर के कॉर्नर की। तो ये है मेरा संदूक, जो कि मतलब देख लीजिए ऐसा है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ परफेक्ट तभी होती है जब आप उसको मतलब आपके पास सुविधाएं हो, मतलब हर चीज़ के लिए फैसिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये है मेरा, मतलब ये फैब्रिक मैंने बिछाया हुआ है एक चादर बेडशीट संदूक के ऊपर ही, ताकि यहाँ पर जैसे कुछ भी हम ड्रेसेस वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उस पर बार बार प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर प्रेस रख लिया मैंने। और ये है बोर्ड, जो कि लंबी डोरी वाला बोर्ड है, क्योंकि जो ये हमारा ट्राईपोर्ड है इसके अंदर जो लाइट्स है तो इसको हम देखिए कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लाइट्स को। ठीक है, तो ये है, तो इसकी डोरी इतनी लंबी नहीं थी तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया था। ये है मेरे रील बॉक्स यहाँ पर, क्योंकि रील बॉक्स की जरूरत पड़ती है जब आप स्टिचिंग करते हो तो बार बार लेने के लिए दिक्कत होती है। और यहाँ पर रखी हुई है ग्लू, ये है ना ग्लू वगैरह रखी हुई है, तो ये भी चीज़ें जरूरत की हैं ना। और यहाँ पर ये कुछ लेसेस वगैरह हैं जो मैं लेकर आई थी कान्हा जी की ड्रेसेस बनाने के लिए, नेट्स फैब्रिक है ना। और यहाँ पर भी ये सब सामान रखा हुआ है, इधर मेरा ये वाला ट्राईपोर्ड भी रखा हुआ है, और इधर देखिए ये भी मेरी लेसेस हैं काफ़ी सारी है ना। और ये सब मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ ताकि मैं आराम से निकाल सकूँ ले सकूँ है ना, बार बार खोलना पड़ेगा बार बार सामान। और इसमें भी देखिए कुंदन वगैरह हैं कान्हा जी के ड्रेसेस के लिए ही मैं मतलब ले कर आई थी, मोती वगैरह जो भी होते हैं सामान। हाँ यहाँ पे भी ये देखिए बुकरम वगैरह रखी हुई है कान्हा जी की ड्रेसेस के लिए ही लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे को झूला बनाना है कान्हा जी का, तो ये उसके लिए रखा हुआ है। ये मेरी सीजर है, और देखिए यहाँ पर ये कार्डबोर्ड के जो रखे हुए ना बॉक्सेस, इनसे भी मुझे कुछ DIY करना है ना। ये तो एक अलमीरा है, इसकी भी वीडियो वहाँ पर है, मतलब ये रैक है एक, तो ये वाली रैक आपने नहीं देखे तो ये वाली वीडियो भी उस वाले चैनल पे है अपलोडेड मेरी। और ये इनका मुझे कार्डबोर्ड का कुछ बनाना है इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं ना। और ये पेंटिंग मेरी ख़राब हो गई थी, मतलब इसके ऊपर जो एक मिरर था ना वो टूट गया था, इसी वजह से ये ऐसे ही रखी हुई है। तो मैं सोच रही थी इसका कुछ करने के लिए DIY वगैरह, तो इसीलिए यहाँ पे रखी हुई है। तो देख लीजिए आप लोग मेरा सेटअप है ना, कुछ इस तरह से ही मैंने बनाया हुआ है। और देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये टेबल हो गई मेरी, ये सिलाई मशीन हो गई, और इधर मेरा सारा सामान रखा हुआ है ना। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से है मेरा। तो फ्रेंड्स देख लिया आप लोगों ने मेरा सेटअप कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे एक बात और बतानी थी कि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे आ रहे थे कमेंट्स कि मैंने माइक कितने का ख़रीदा था, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने लोकल मार्केट से अपना माइक ख़रीदा था, वो ख़रीदा है मैंने 180 रुपीज़ का है ना, और अभी मैंने उसको यूज नहीं किया है किसी भी वीडियो में, मैं बताती हूँ आपको। और 180 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा है। और दूसरा एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने पिन के अप्लाई कैसे किया, मेरा पिन कितने दिन में आ गया था, और पिन कब आता है ना, वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। पिन जो आता है जब आपके 100 जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब आता है उसके बाद। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ पिन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ऐड आने लगती है आपकी वीडियोस पर। और उसके बाद जब वीडियो पर ऐड आने लगती है तो उससे आपकी इनकम होने लगती है, आपके डॉलर बनने लगते हैं। जब आपके डॉलर बनने लगते हैं तब आपको मतलब डॉलर जो बनते हैं ऐसे बनते हैं जैसे ना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, इसी तरह से डॉलर बनते हैं, 1-1 पॉइंट से करके डॉलर बनते हैं, जिन जो कि 10 दिन में $1 बनता था मेरा है ना। तो इस तरह से करके मैंने 3 महीने में $10 बने थे मेरे। और जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब आपके पास एक ईमेल आता है, वहाँ पर लिखा होता है वेरीफाई नाउ है ना, अप्लाई नाउ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ईमेल पर ही जाकर क्लिक किया और वहाँ से ही मेरा ऑप्शन खुल जाता है। वहाँ पर आपको अपना
एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में जो होता है आपका होता है वोटर आईडी कार्ड लगा सकती हो आप, आधार कार्ड अलाउड नहीं है वहाँ पर लगाना, और वहाँ पर आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हो। तो मैंने वहाँ पे पैन कार्ड स्कैन करके लगाया था, और स्कैनर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिस स्कैनर से मैंने लगाया था। डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके नहीं लगाया था, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोटो में कई बार धुंधला आता है फ़ोटो, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आईडी प्रूफ में लगाया था अपना पैन कार्ड। और उसके बाद आपका जब सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आ जाता है लिखा हुआ वहाँ पर, तो उसके बाद आपको 8 से 10 दिन या 15 दिन में आपका एक और मेल, मतलब एक 10 या 15 दिन बाद आपके पास एक कोरियर आता है। कोरियर में जो आपने वहाँ पर एड्रेस दिया होता है, आधार कार्ड वाला एड्रेस वहाँ पर सबमिट करना होता है, तो उस आधार कार्ड वाले एड्रेस पर आपका एक इस तरह का पिन आता है, जो कि मैंने आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इस तरह का एक पिन आता है, और उस पिन पर आपको वो पिन आपको वेरीफाई करना होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, जब आपका सक्सेसफुली आ जाता है ना लिखा हुआ, तो उसके वहाँ पर ही ईमेल में लिखा हुआ आता है वेरीफिकेशन नाउ, तो वेरीफाई नाउ, तो वेरीफाई आप 3 बार कर सकते हो। अगर 3 बार भी आपने गलत कर दिया वो पिन, तो फिर आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिफिकेशन नाउ करते हैं वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके साथ में एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, मैंने सिर्फ वेरीफाई किया है, वेरीफाई हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ पे अकाउंट की डिटेल नहीं दी है। अगर आप चाहते हो कि आपके $100 कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आए, तो आपको वहाँ पर बैंक डिटेल भी देनी होती है ना, जो कि मैंने अभी नहीं दी है, क्योंकि मेरे अभी डॉलर बहुत कम हैं, तो मैंने सोचा बाद में दे दूँगी। बैंक डिटेल के साथ साथ में वहाँ पर एक कोड और भी पूछा जाता है, नाम मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर लगा दूँगी क्या नाम बोलते हैं उसको, तो उस वो वहाँ पर फिल करना ज़रूरी होता है। वो आपका जो बैंक होता है वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कोई कोड होता है, जो कि क्योंकि हमारी जो पेमेंट आती है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आती है, तो उसका एक कोड होता है जो कि बैंक के पास होता है। बैंक मैनेजर से आप वो कोड लेकर वहाँ पर फिल करोगे, तब आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो वो मैंने अभी नहीं लिया है बैंक से जाकर, क्योंकि अभी मेरे सिर्फ $10 मतलब $11 बने हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं किया है। क्योंकि जिस दिन मुझे सैलरी निकालनी होगी, पेमेंट आना होगा, तब मैं उसे फिल कर दूंगी, इसीलिए है ना। तो ये प्रोसेस है हमारा पिन अप्लाई करने का। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ वीडियो एंड, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरा तीज वाला, तो देखना मत भूलिएगा।